औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलेटरल डायलॉग नहीं किया। हाँ, नीति हमें याद है, काबुल की बात आ रही है, शायद सुप्रिया जी को याद हो, काबुल में सबसे भयानक हमला भारत के दूतावास पे कब हुआ था, 2008 में, जिसमें तत्कालीन सरकार ने औपचारिक रूप से 58 लोगों के मारे जाने को माना था, और 2008 में ही 9/11 हुआ था, और उसके बाद 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि आतंकवाद से हमारी वार्ता प्रभावित नहीं होगी, और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट था, यानी हम ये भी मान रहे थे कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। तो यह नीति और आज की नीति में जमीन आसमान का अंतर है। यह सामान्य आदमी से लेके कोई भी डिप्लोमेटिक एनालिस्ट यानी कूटनीतिक विश्लेषक बहुत सहजता से इस अंतर का अनुमान लगा सकता है। ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी, जल्दी से। मुझे दस सेकंड का समय दीजिए। आप बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि भारत विरोधी ताकतों से कैसे निपटना है, इसके बारे में पूरी क्लैरिटी चाहिए देश में, पूरी क्लैरिटी सरकार में चाहिए, लेकिन सरकार की क्लैरिटी नहीं दिखती है। हमारे राजदूत वहां पहुंच जाता है, हंसानी नेटवर्क के लोग वहां बैठे हुए, हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने 125 देशों के साथ एक वक्तव्य निकाला, उसमें भारत नहीं था। एक्सटेंडेड टेरिटरी में हम नहीं है रशिया के साथ, चीन तो हमारे साथ रुपये किसी खेलते ही रहता है, वो सबको पता है वो क्या कर रहा है। आज भी हमारे बॉर्डर पे लद्दाख से लोग लाइन सब जानते हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इतने अलग थलग क्यों कर दे? ये कूटनीति का फेलियर है। और यूएनएससी की मैं 5 सेकंड एक बात कहूंगी, यूएनएससी की अध्यक्षता भारत ने करी, ये गर्व की बात है, लेकिन उसी यूएनएससी की अध्यक्षता में चीन की आपत्ति पर तालिबान का संगठन, टेरर संगठन से नाम क्यों हटा दिया गया भारत से? 1600 डाला गया, 27 सदस्य हटा दिया गया क्योंकि चीन ने आपत्ति करी। ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स पे रहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। 2016 के मुकाबले सुधांशु जी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां तो अलग है ना, और हिंदुस्तान अध्यक्षता कर रहा है, इस वजह से उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा एक एक कदम, उसके संकेत और संदेश बहुत दूर तक लग जाएंगे। तो इस वजह से क्या ये माना जा सकता है कि आज स्पष्टता देश के सामने आ जाएगी?